बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला के दौर का वाक़या है कि उस वक्त का बादशाह अपनी बीवी के साथ तखलिया में था, यानी तन्हाई में बैठा था। उसकी बीवी किसी वजह से उससे नाराज़ थी। बादशाह चाह रहा था कि मोहब्बत और प्यार में वक्त गुजारे, जबकि बीवी नाराज़ बैठी थी और वो चाहती थी कि उसकी शक्ल एक आँख भी ना देखे। इधर से इसरार और उधर से इनकार। जब बहुत देर गुजर गई तो बादशाह ने मोहब्बत में कुछ ऐसी बात कर दी जिसकी वजह से बीवी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, जहन्नमी, दफ़ा हो यहाँ से। जब बीवी ने इतनी बड़ी बात कह दी तो बादशाह को भी गुस्सा आ गया। कहने लगा, अच्छा, अगर मैं जहन्नमी हूँ तो तुझे 3 तलाक। अब बादशाह ने बात तो कह दी, मगर वो दोनों पूरी रात फिक्रमंद रहे कि आया तलाक हुई भी है या नहीं। सुबह हुई तो फतवा लेने के लिए फिक्रमंद हो गए। किसी मुकामी आलम के पास गए और उनको पूरी सूरत हाल बताई और पूछा कि बताएं क्या वाकई तलाक हो गई है, क्योंकि ये मशरूत तलाक थी। उन्होंने कहा, मैं इसका फतवा नहीं दे सकता, क्योंकि मैं नहीं जानता कि तुम जहन्नमी हो या नहीं। ये तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है ना कि तुम जहन्नमी हो या नहीं। उलमा से भी पूछा गया, मगर उन सब ने कहा कि हम इसका फतवा नहीं दे सकते, क्योंकि ये बात मशरूत है। बादशाह चाहता था कि इस कदर खूबसूरत और अच्छी बीवी मुझसे जुदा ना हो, मगर मसले का पता नहीं चल रहा था कि बीवी अब हलाल भी है या नहीं। चुनाचे बड़ा मसला बना, बल्कि बादशाह का मसला तो और ज़्यादा फैलता है। हर जगह ये बात फैल गई। बिलाखिर एक फकीह को बुलाया गया और उनसे अर्ज़ किया गया कि आप बताएं। उन्होंने फरमाया कि मैं जवाब तो दूंगा, मगर इसके लिए मुझे बादशाह से तन्हाई में कुछ पूछना पड़ेगा। बादशाह ने कहा, ठीक है, पूछें। चुनाचे उन्होंने बादशाह से अलहदगी में पूछा कि क्या आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा मौका आया है कि आप उस वक्त गुनाह करने पर कादर हों, मगर आपने अल्लाह के खौफ से वो कबीरा गुनाह छोड़ दिया हो। बादशाह सोचने लगा। कुछ देर के बाद उसने कहा, हाँ, एक मरतबा ऐसा वाकया पेश आया था। पूछा, वो कैसे? बादशाह कहने लगा, एक मरतबा जब मैं आराम के लिए दोपहर के वक्त अपने कमरे में गया तो मैंने देखा कि महल में काम करने वाली लड़कियों में से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मेरे कमरे में कुछ चीज़ें संवार रही थी। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने उस लड़की को कमरे में अकेले पाया। उसके हुस्न जमाल को देख कर मेरा ख्याल बुराई की तरफ चला गया। चुनाचे मैंने दरवाजे की कुंडी लगा दी और उसकी तरफ आगे बढ़ा। वो लड़की एक नेक, अफीफा और पाक दामना थी। उसने जैसे ही देखा कि बादशाह ने कुंडी लगा ली है और मेरी तरफ खास नज़र के साथ कदम उठा रहा है, तो वो फौरन घबरा गई। जब मैं उसके करीब पहुंचा तो वो कहने लगी, ए बादशाह, अल्लाह से डरो। जब उसने ये अल्फाज कहे तो अल्लाह का नाम सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और अल्लाह का खौफ मेरे ऊपर गालब आ गया। चुनाचे मैंने दरवाज़ा खोला और उस लड़की से कहा, चली जा, अगर मैं गुनाह करना चाहता तो उस वक्त कर सकता था, मुझसे पूछने वाला कोई नहीं था, मगर अल्लाह के खौफ, अजमत और जलाल की वजह से मैंने उस लड़की को भेज दिया और गुनाह से बाज आ गया। उस मुफ्ती ने फरमाया कि अगर ये बात सच है तो मैं फतवा देता हूँ कि तू जन्नती है और तेरी तलाक वाकया नहीं हुई है। अब दूसरे उलमा ने कहा, जनाब, आप कैसे फतवा दे सकते हैं? उन्होंने फरमाया, जनाब, मैंने अपनी तरफ से फतवा नहीं दिया, बल्कि ये फतवा तो कुरान दे रहा है। वो सब उलमा हैरान हो गए कि कुरान ने फतवा कहाँ से दे दिया। उन्होंने जवाब में कुरान की ये आयत पढ़ी जिसका तर्जमा कुछ यूँ है, जो अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया और उसने अपने नफ्स को ख्वाहिशात में पड़ने से बचा लिया तो ऐसे बंदे का ठिकाना जन्नत होगी। फिर उन्होंने बादशाह को मुखातब करके फरमाया, चूँकि तुमने अल्लाह के खौफ की वजह से गुनाह को छोड़ा था, इसलिए मैं लिख कर देता हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत अता फरमा देंगे इंशाल्लाह। ए अल्लाह, हमें भी गुनाहों की लज्जत से महफूज फरमा दे और बकिया ज़िंदगी गुनाहों से पाक होकर गुजारने की तौफीक अता फरमा दे, आमीन। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही गुजारो, अल्लाह के खौफ के साथ, गुनाहों से बचते हुए और नेकियां करते हुए। एक दिन आपको इन बातों पे फ़ख्र महसूस होगा, और अगर आपने लाइल्मी और लापरवाही ना छोड़ी तो फिर पछतावे के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। प्यारे साथियों, आखरत की तैयारी कर लीजिए, अपना मुहासबा करते रहा कीजिए, दुनिया की बातों पे परेशान मत हुआ कीजिए। परेशानियां सिर्फ बीमारियां लाती हैं और कोई हल नहीं होता। मायूसी शैतान की तरफ से होती है। हर वक्त अल्लाह पे तवक्कल करते रहा कीजिए। अल्लाह पे तवक्कल कभी ना छोड़िए, इससे अल्लाह राज़ी होता है, तकदीरें बदल देता है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।